कहते जैसे हम सोचते हैं, जैसे हमारा मन है वैसा हमें एनवायरनमेंट मिल जाता है। मतलब कि जो लोग सो ये बोलते हैं कि मेरे से लोग जेलसी हेट्रेड करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मतलब वो खुद नहीं करते। और क्या रियलिटी के यही देखिए, दुनिया कोई एक चीज नहीं है, संसार एक है ही नहीं, संसार अनंत हैं, इतने संसार हैं, इतने संसार हैं, कभी चुके ना, और वो सब एक दूसरे के बगल में हैं, समानांतर अरबों खरबों दुनिया चल रही है। आपकी दुनिया कौन सी है ये देखिए। आपकी दुनिया वो होगी जैसे आप हैं, आपको ठीक वैसी दुनिया मिल जाती है जैसे आप हैं, और वो दुनिया कायम इसलिए रहती है क्योंकि हम शिकायत दुनिया की करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि मुझे वही तो मिला है जैसा मैं हूं। आप बदलिए फिर देखिए कि आपका माहौल बदलता है कि नहीं। एक छोटी सी बात समझिएगा, माहौल जिसे आप कहते हैं वो माहौल नहीं है, वो माहौल का अनुभव है। आप कहें कि कमरा गर्म है तो आप किसकी बात कर रहे हैं? आपको गर्मी का जो अनुभव हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, और अनुभव निर्भर करता है आप पर, अनुभोक्ता पर। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? माहौल कुछ नहीं होता, आपको जो लग रहा है, जो अनुभव हो रहा है उसको आप माहौल का नाम दे देते हैं। आपको जो लग रहा है वो तो आप पे निर्भर करता है ना, और लगने के बाद आपका उसको प्रत्युत्तर क्या है ये भी किस पे निर्भर करता है? आप पर निर्भर करता है। अनुभव याद रखिएगा पूरे तरीके से अनुभोक्ता पर निर्भर करता है। ह्यूमन कंडीशन तो है ही, हमारी आपकी जो स्थिति है उसी को ह्यूमन कंडीशन कहते हैं। जैसे हम टेम्परेचर के एस्पेक्ट में बोलते हैं या किसी और चीज के एस्पेक्ट में बोलते हैं, एनवायरनमेंट और एनीथिंग, इट्स ह्यूमन कंडीशंस आर एबल टू सर्वाइव। ऑब्जेक्टिव कंडीशंस की बात कर रहे हैं, हमसे बाहर की चीजें, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस। एक निम्नतर स्तर जो होता है कि इतना इस लेवल पे ह्यूमैनिटी सर्वाइव करेगी, किस चीज में? खाने पीने में, एनवायरनमेंट, जैसे आपने गर्मी की बात करी है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। हाँ, एक टेम्परेचर होगा सब, जैसे 45 डिग्री उससे ऊपर। हाँ, मोस्टली लोगों को एक जैसा ही फील होगा। तो बिल्कुल सबको वो एक जैसा इसीलिए अनुभव होगा क्योंकि शरीर के तल पे हम सब एक जैसे हैं। तो इसीलिए जिस तापमान पर आपको छाला पड़ जाएगा उसी तापमान पर मुझे भी फफोला पड़ जाएगा। जो दवाई आपको फायदा कर जाती है वही दवाई 10,000 और लोगों को भी फायदा कर जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि शरीर के तल पर हम जैसे सब एक जैसे हैं, दो आंखें हैं, दो पांव हैं, एक सा जीवन काल है, पैदा होने और मरने की घटनाएं भी एक जैसी हैं। जो कुछ हमारा साझा है उसके हमें साझे अनुभव होते हैं। समझ रहे हैं? और जो कुछ हमारा संस्कारित है, अलग अलग है, उसके हमको अलग अलग अनुभव होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो शरीरगत अनुभव भी हैं उनका अर्थ करने वाले आप ही हैं। ये अनुभव निश्चित रूप से साझा हो सकता है कि अभी गर्मी है, पर उस गर्मी के अर्थ क्या है और उस गर्मी को प्रतिक्रिया क्या देनी है यह साझा नहीं होगा। यदि इस समय इस कमरे का तापमान 45 है, जो है नहीं, पर तो 45 ही अनुभव होगा, पसीना भी हो सकता है करीब करीब एक सा निकले, पर हो सकता है तब भी कोई ध्यानमग्न रहे और कोई उठ के भाग जाए। आप ये देखिए कि
कि इन सब परिस्थितियों के बीच आप कहाँ हैं। जैसे ही आप प्रमुख हो जाते हैं, जैसे ही आपकी केंद्रीय सत्ता उभर के सामने आती है, वैसे ही आप पाते हैं कि परिस्थितियों में कोई दम नहीं है। वैसे ही आप पाते हैं कि आपके भीतर ही आपका कोई दुश्मन छुपा हुआ था जो परिस्थितियों का नाम लेकर के सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा था। जो हमारी वृत्तियां होती हैं ना, वो परिस्थितियों का उपयोग भी बड़ा अच्छा करती हैं। आपको किसी से मिलने जाना था, जाने से आप वैसे ही हिचक रहे थे, बारिश हो गई, परिस्थिति एक मिल गई आपको, अब आप क्या कहोगे? बारिश की वजह से नहीं गए। आपकी जो वृत्ति होती है ना केंद्रीय, वो सिर्फ परिस्थिति का उपयोग करती है, लेकिन नाम परिस्थिति का लगा देती है कि देखिए साहब माहौल ऐसा था इसलिए हमारा ये हो गया। बच्चे होते हैं कई बार, उनका पढ़ने का मन नहीं होता और बिजली चली गई, बिल्कुल उठ के भाग जाते, जो मांगा था वो मिल गया, बिजली चली गई, चलो जल्दी सो जाओ भाई, वापस ना आ जाए बिजली। मन की केंद्रीय वृत्तियां साझी होती हैं, मन के डर साझे होते हैं, मन की असुरक्षा की भावना और लालच साझे होते हैं। जितने गहरे जाएंगे साझापन उतना है, लेकिन ऊपर ऊपर आप आएंगे तो वहाँ साझापन नहीं है, वहाँ तो भिन्नताएं हैं। आप पीला अच्छा लग सकता है, इनको लाल अच्छा लग सकता है, इसमें साझी बात क्या है? दोनों को कुछ अच्छा तो लगता है, लेकिन भेद भी है, भिन्नता भी है, वो क्या है? इनको पीला अच्छा लगता है, लाल अच्छा लगता है। वजह यह है कि आप जो समझा रहे हैं, आप स्वकेंद्रित होकर समझा रहे हैं, आपके समझाने का तरीका, आपके समझाने का भाव, आपकी प्रेरणा, सब कुछ किसका है? आपका है। तो जो बात आपने कही कि आप किसी को समझा नहीं, आप किसी को बदल नहीं सकते, आप सिर्फ स्वयं को बदल सकते हैं, उसको ऐसे कहिए कि स्वयं के बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि शुरुआत और अंत दोनों मात्र अपने पर होते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरे को बदलने की कोशिश करना पूर्ण असफलता है दोनों तरफ से। जब आप दूसरे को बदलने की कोशिश करोगे तो दूसरा तो नहीं ही बदलेगा, आप भी कायम रहे आओगे, क्योंकि आप कौन? जिसका बदलने का मन कर रहा है, आप वही करे जा रहे हो जो बदलने का मन कर रहा है, आप कायम रहोगे। और दूसरा भी ठीक इसी वजह से नहीं बदलेगा, मैं किसी और के कहने से क्यों बदल जाऊं? बदलाव मन में तब आता है जब उसको दिखाई देता है कि वो जिन मान्यताओं में जी रहा है, जिन तरीकों से वो शांति की, सफलता की, चैन की खोज कर रहा है, वो तरीके उसे कहीं लेके नहीं जा सकते। उसको ये स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, शब्दों भर से काम नहीं चलेगा, उसके सामने सजीव उदाहरण होना चाहिए, उसके सामने कोई ऐसा होना चाहिए जो दिखाई पड़े कि किसी और देश का है, नहीं तो मन को यकीन नहीं आएगा। आप उसे 100 बार समझाइए कि उड़ा जा सकता है, वो कहेगा आज तक उड़ता कोई देखा नहीं। तुम सैद्धांतिक तौर पर, किताबी तौर पे सिद्ध किए दे रहे हो कि उड़ान होती है, हमने तो उड़ता कोई देखा नहीं, हम नहीं मानेंगे। आप दूसरे को बदलना चाहते हो तो उसे अपनी उड़ान दिखाओ ना।
आप खुद उड़ नहीं रहे हो, वो जमीन पर बैठा हुआ है, उसका उड़ने से इनकार है, और आप उसके बगल में बैठकर आप उससे क्या कहे जा रहे हो? उड़, उड़। और जब आप उससे कह रहे हो उड़, तो आप क्या कर रहे हो? बैठे हुए हो। वो उड़ेगा? वो उड़ेगा। कहीं बेहतर है कि उससे कुछ ना कहो, बस उड़ो। तुम्हारा उड़ना मानवता के साझे स्वभाव का प्रदर्शन है। तुम्हारा उड़ना मन को याद दिला जाएगा कि पंख उसके पास भी है। उसे दिखाई देगा कि जो ये वही मैं, ये उड़ा तो मैं क्यों नहीं। और फिर बिना प्रयास किए, बिना प्रत्यक्ष रूप से चाहे, तुम पूरी दुनिया में बहुत बदलाव ले आ दोगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुमने क्या क्या बदलाव ला दिया। तुम्हारा होना ही बदलाव का कारण बन जाएगा। समझ रहे हैं? मन शिक्षा नहीं चाहता, मन जीवन सहारा चाहता है। शिक्षा देने वाले तो बहुत हैं, अनंत ग्रंथ हैं, अनंत गुरु हैं।